नाम है, क्या नाम है? प्रोग्रामिंग इन सी, अच्छे से याद रख लो, सी। ठीक है? ठीक है, तो हम लोग सिर्फ उसी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, बाकी जो सब्जेक्ट टीचर है वो अपने अपने सिलेबस डिस्कस करेंगे, है ना? ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं कि जूम में जब जुड़ते हो तो अपने रियल नेम से ही जुड़ना है, ठीक है? कुछ कुछ लोग जैसे माइक्रोमैक्स Q440 और कुछ गैलेक्सी J2 Pro, ठीक ना, अपना मोबाइल के नाम से नहीं जुड़ना है, ठीक है? अपना रियल नेम डालेंगे, वहाँ पे ऑप्शन आता है रिनेम करने का, वहाँ से जाके रिनेम कर लेंगे, ठीक है? जिसका अगर इस टाइप का अच्छा नाम दिखेगा उसको यहाँ से एक्सपेल कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है? ओके, चलो हम लोग इस सिलेबस पे नजर एक बार डालते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास 5 यूनिट होते हैं, ठीक है? 5 यूनिट हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है? यूनिट 1, जिसमें इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी हम लोग देखेंगे, ठीक है? जिसमें इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर सेट, कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, इस टाइप के बहुत सारे टॉपिक्स अलग अलग, ठीक है? वो सारे चीज़ें हम 1 बाय 1 करेंगे। यूनिट नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो बेसिक चीज़ें होती है, ठीक है? बेसिक चीज़ें ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? अगर यूनिट 1 अच्छे से हो गया, अच्छे से अपन सीख लिए, तो यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 सब आसान लगेगा, ठीक है? अगर यूनिट नंबर 1 ही समझ में नहीं आया, ठीक है, तो बाकी को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन पार्ट जो है यूनिट नंबर 1 बहुत अच्छे से करना है, ठीक है? बहुत ज्यादा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है? डेली क्लास अटेंड करना है, ठीक है? देन उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 2, जिसमें हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है? कंट्रोल स्ट्रक्चर मीन्स हम लोग अपने तरीके से प्रोग्राम जो बनाएंगे, ठीक है? वहाँ पे बहुत सारे कंडीशन हम लोग लगाएंगे, अपने जो प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करेंगे। तो वहाँ पे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, मल्टी डिसीजन, ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट, लूप्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है? देन आता है यूनिट नंबर 3, फंक्शंस एंड एरेज, ठीक है? फंक्शंस मतलब हमारे प्रोग्राम को मॉड्यूलरिटी देता है, मॉड्यूलरिटी का फंक्शन हम लोग को देता है, ये उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है? फोर्थ है पॉइंटर्स, यहाँ पॉइंट्स लिखा हुआ है, एक्चुअली पॉइंटर पॉइंटर्स है, ठीक है? PointER, पॉइंटर, ठीक है? पॉइंटर भी एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें हम लोग कुछ एड्रेस वगैरह स्टोर करते हैं, ठीक है? पूरा के पूरा उसी के बारे में। देन आता है लास्ट, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ठीक है? जिसमें हम लोग कुछ कुछ टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ठीक है? और हम लोग उसमें बहुत सारी चीजें बना के देखेंगे, ओके, ठीक है? 5 यूनिट समझ में आया? 5 यूनिट है, ठीक है? तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस डेली क्लास अटेंड करना। डेली मैं जो प्रोग्राम बताऊंगा, ठीक है, उस प्रोग्राम को घर पे प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है? आया समझ में? समझ में आया या नहीं आया? ओके सर, ठीक है, यस क्योंकि सर, प्रैक्टिस ओके सर, नहीं करोगे, एक भी प्रोग्राम का अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा अच्छे से, ठीक है? हम लोग को लगता है कि हम समझ गए, ठीक है, 2 दिन बाद उसी टॉपिक को देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है? जो भी मैं एग्जांपल प्रोग्राम बताऊंगा उसको अच्छे से समझना है, ठीक है? क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी से, ठीक है? स्टार्ट करें, यस सर। ओके, चलो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, ठीक है? कई लोग मुझे नहीं जानते होंगे तो इससे जान जाएंगे। हेलो गाइस, मेरा ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताना है ना?
स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके, सब लोग अपने आप को दिख रहा है? हाँ, म्यूट रखना, ठीक है? और जब तक ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक पूरा देखना है इसको, ओके सर। ठीक है? और अच्छे से समझना है जो मैं यहाँ पे बोर्ड में बता रहा हूँ, ठीक है? यस सर। ओके, और कुछ भी अगर दिक्कत होगा तो चैट में मैसेज कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये रिकॉर्ड भी होगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं अपन। हेलो गाइस, मेरा नाम है धीरेंद्र पराते, मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ साई कॉलेज सेक्टर 6 भिलाई में, और मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा आज से सी लैंग्वेज। दो लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे सी लैंग्वेज सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं सी लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज की बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे उसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं कि सी लैंग्वेज होता क्या है। सी लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बेसिक है। हम लोग सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, या फिर हम लोग किसी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। जितने भी हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वगैरह देखते हैं या फिर कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स देखते हैं, सबको बनाने के लिए कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक बेसिक लैंग्वेज को अगर सीख लें तो हम लोग उस सॉफ्टवेयर को बनाना बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कि सॉफ्टवेयर्स क्या होता है, कि सॉफ्टवेयर होता क्या है और किस टाइप के हम लोग सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं रोज़। तो सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेंगे। सॉफ्टवेयर एक ऐसा कंपोनेंट होता है या फिर ऐसा एक सिस्टम में चलने वाले, जैसे कि मान के चलिए सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगे हुए हैं, तो उस पार्ट्स को रन करने के लिए हमें कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग यहाँ पे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनाते हैं और उस हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं। जस्ट लाइक कोई भी हम लोग बाइक खरीदते हैं या फिर कार खरीदते हैं, तो उसके लिए हम लोग को एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग के पास कंप्यूटर में या फिर कोई भी मोबाइल डिवाइस में या फिर कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को चलाने के लिए हम लोग को उससे रिलेटेड कोई ना कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन उसको देने पड़ेंगे जिसके थ्रू हम लोग उस डिवाइस को ऑपरेट कर पाएंगे। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे इंस्टॉल किया जाता है और उससे उस हार्डवेयर को रन किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आते हैं हम लोग कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग उसको बोलते हैं जैसे कि हम लोग कोई भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले अच्छा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक मोबाइल डिवाइस हम लोग उसमें चलाते हैं एंड्रॉयड। अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है एंड्रॉयड 11 पॉइंट समथिंग कुछ, या फिर हम लोग जो डेली अभी जो नए नए फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड 10, या फिर जो हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं विंडोज़ 10, या फिर हम लोग लैपटॉप में यूज़ करते हैं विंडोज़ 7, 8, 8.1, 10। इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम लोग यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका एग्जांपल हम लोग लें तो यहाँ पे आता है विंडोज़ के अलग अलग वर्जन आते हैं विंडोज 7, 8, 8.1, 10। अभी लेटेस्ट वर्जन 10 चल रहा है। अगर हम लोग फ्री ओपन सोर्स की बात करें तो हम लोग यहाँ उबंटू, मैक ओएस, या फिर हम लोग कोई मोबाइल डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे एंड्रॉयड। इस प्रकार के हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स देखते हैं। तो जो भी मोबाइल डिवाइस या फिर कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप को अगर हम लोग को ऑपरेट करना है तो हम लोग कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज़ करके उस डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। उसके सारे कंपोनेंट्स को हम लोग वर्किंग, जो भी उसकी वर्किंग होगी उस पर ला सकते हैं। सेकेंड आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो उस सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंदर में चलते हैं, मींस इस सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में जैसे विंडोज़ है उसके अंदर बहुत सारे हम लोग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस,
वीएलसी मीडिया प्लेयर, विनैम्प मीडिया प्लेयर, या फिर हम लोग बहुत सारे और दूसरे सॉफ्टवेयर जो होते हैं जिससे हम लोग अपनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है वो आसान कर सकते हैं। जैसे हम लोग पीडीएफ कोई भी फाइल को ओपन करना है, सॉन्ग्स प्ले करना है तो उसके लिए हमारे पास वीएलसी मीडिया प्लेयर होता है, वीडियोस को प्ले करना है तो उसके लिए वीएलसी मीडिया प्लेयर होता है, कोई डॉक्यूमेंट एडिट करना है तो हमारे पास एमएस ऑफिस के पैकेजेस होते हैं। तो वो सारे सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल अगर लें तो एमएस ऑफिस वीएलसी मीडिया प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर, या फिर हम लोग और भी अदर सॉफ्टवेयर जैसे कि पेंट, फोटोशॉप, तो ये सारे हम लोग सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। थर्ड आते हैं हम लोग यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इस विंडोज़ या फिर उबंटू जो भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर्स है उसके साथ में काम करता है। जैसे कि हम लोग को कोई भी एक नया हार्डवेयर हम लोग लगाते हैं, लाइक हम लोग एक पेन ड्राइव अटैच करते हैं हम लोग अपने सिस्टम पे, या फिर हम लोग अपने मोबाइल पे कोई हेडफोन अटैच करते हैं, कोई ब्लूटूथ डिवाइस हम लोग अटैच करते हैं, तो उसको जो डिटेक्ट करता है, उसको जो रन करता है, उस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कि ड्राइवर्स होते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो उस हार्डवेयर पर रन करते हैं, या फिर कोई एक दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको रन किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे आता है सबसे पहले ड्राइवर्स, देन आता है एंटीवायरस, तो इस प्रकार के यहाँ पे हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स देख सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्शन सॉफ्टवेयर के बारे में। तीन टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? यस सर, सर समझ आ गया। ब्लैकबोर्ड इज नॉट विजिबल क्लियरली सर, इट इज वेरी स्मॉल स्मॉल है, उसको दैट यू हैव रिटन। लैंडस्केप मोड पे चलाओ, अच्छे से क्लियर दिखेगा, है ना? यस सर, क्लियर है सर। मोबाइल को स्ट्रेट रखोगे तो नहीं दिखेगा, यू हैव टू सर कैसे रखना है? लैंडस्केप मोड पे चलाओ, ऐसे टेढ़ा करके चलाओ ना, जैसे वीडियो देखते हो ना वैसा देखो उसको, तब क्लियर यस सर। दिखेगा, है ना? सीधा रखोगे तो छोटा ही दिखेगा और उसमें बहुत छोटे छोटे ही दिखेगा, है ना? यस सर, अभी क्लियर दिख रहा है। अभी क्लियर दिख रहा है? ठीक है, देखो, चलो मैं एक बार और समझा रहा हूँ। ठीक है, तीनों टाइप के सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखो, जनरली बेसिकली हम लोग जो प्रोग्रामिंग इन सी यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग हम लोग किस लिए सीखते हैं? ताकि हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना पाए। ठीक है, क्यों सीखते हैं हम लोग? ताकि एक सॉफ्टवेयर बना पाए, कोई एप्लीकेशन बना पाए। ठीक है, हम लोग के आसपास जितने भी कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, मोबाइल फोन होते हैं, ठीक है, या फिर आज के टाइम पे इतनी सारी डिवाइसेस आती है, ठीक है, आजकल टीवी भी स्मार्ट हो गया है ना, टीवी भी है जो स्मार्ट हो गया है। ठीक है, मोबाइल फोन में हम लोग टीवी देख सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में भी हम लोग टीवी देख सकते हैं, कंप्यूटर में हम लोग इंटरनेट चला सकते हैं, कंप्यूटर में गाने सुन सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोग इस कंप्यूटर से कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल फोन से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिवाइसेस जो है वो ऑपरेट कैसी होती होगी? ठीक है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लगे रहता है ना, इसके अंदर क्या लगे रहता है? इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगे होते हैं, ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ठीक है, तो ये ऑपरेट कैसे करता होगा? तो उसको ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। ठीक है, तो हमारे पास थ्री टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। थ्री टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यस
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया ठीक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ठीक है तीन टाइप के सॉफ्टवेयर है हमारे पास तो यहाँ पे जो ये तीन टाइप के सॉफ्टवेयर है वो कहाँ कहाँ पे काम करते हैं कैसे कैसे के में काम करते हैं मैं बता रहा हूँ ठीक है अभी देखो लाइक यहाँ पे हम लोग कोई भी एक कंप्यूटर चलाते हैं ठीक है जब हम लोग कोई भी कंप्यूटर चलाते हैं तो वो कंप्यूटर कैसे चलता है हम लोग सबसे पहले उसमें क्या चलाते हैं जब हम लोग ऑन करते हैं उसमें विंडोज दिखता है या किसी के पास विंडोज 7 होगा या विंडोज 8 होगा या विंडोज 10 होगा ठीक है अगर मैं अपने सिस्टम की बात करूँ तो मेरे पास विंडोज 10 है ठीक है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं विंडोज 10 पे चला रहा हूँ ठीक है विंडोज 10 पे हम लोग चला रहे हैं ठीक है तो हर एक सिस्टम के लिए हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ठीक है कंप्यूटर की बात करें तो वहां पे विंडोज होता है ठीक है मोबाइल की Sir, बात प्लीज स्पीक लाउडली ओके एक सेकेंड वॉल्यूम तो फुल है सभी को स्लो आवाज आ रही है क्या नो सर क्लियर है सर आवाज आवाज क्लियर है क्लियर आ रही है सर ओके माइक मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे माइक्रोफोन को ठीक है लेवल फुल है आपका ही शायद वॉल्यूम कम होगा इसीलिए आपको आवाज नहीं आ रही है ठीक है बाकी मेरे तरफ से पूरा फुल है वॉल्यूम कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो हम क्या कर रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक है तो जैसे मोबाइल फोन है ठीक है मोबाइल भी अलग अलग टाइप के आते हैं कोई एंड्रॉयड मोबाइल आता है ठीक है कोई आईफोन आता है तो उसमें iOS चलता है ठीक है वैसे ही आजकल ओप्पो वीवो ये सारे अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल लिए ठीक है सब एंड्रॉयड पे काम करते हैं एप्पल जो है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है ठीक है तो जैसी हार्डवेयर होती है वैसे ही वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया जाता है ठीक है तो जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग किसको बोलते हैं जिससे पूरा का पूरा एक हार्डवेयर डिवाइस जो है रन करता है ठीक है तो इसमें मेनली आता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आता है ऑपरेटिंग सिस्टम आता है क्लियर समझ में आया इतना अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करेगा ठीक है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करता है क्लियर इतना ठीक है कि नहीं समझ में आया कि नहीं आया ठीक है सेकंड टाइप में आते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम लोग अपना काम आसान करते हैं ठीक है जैसे आजकल क्या करते हैं गर्ल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि फोटोज बहुत अच्छी आनी चाहिए ठीक है शादी वगैरह का सीजन चल रहा है अभी तो पहले ही फोटोग्राफर को बोल देते हैं कि फोटोज बहुत अच्छी आनी चाहिए है ना होता है ऐसा कि नहीं होता है होता है सर होता है ठीक है पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देते हैं अब वो क्या करेगा कैमरा जैसा होगा वैसे ही फोटो खींचेगा जैसी लाइटिंग कंडीशन होगी वैसे ही फोटो खींचेगा लेकिन जब वो फोटो हमें देता है तो फोटो बहुत सुंदर दिखती है उसकी लाइटिंग्स वगैरह बहुत अच्छी होती है बहुत अच्छे तरीके से एडिट करके देता है वो होता है ऐसा ठीक है yes, sir. तो वहां पे वो क्या यूज करता है उसका कैमरा इतना अच्छा होता है क्या नहीं फोटोशॉप यूज करता है वो हाँ 1 लाख रुपए का भी कैमरा खरीद लो 5 लाख रुपए का भी कैमरा खरीद लो वो हमेशा रियल चीजें ही दिखाएगा क्या दिखाएगा रियल चीजें ही दिखाएगा ठीक है उसको क्या करते हैं हम लोग एडिट करते हैं
आया समझ में? क्या किया जाता है उसको, एडिट किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोशॉप। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोशॉप। ठीक है, फोटोशॉप। ठीक है, अगर मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, जैसे आप लोग रेज्यूमे बनाते हैं, रेज्यूमे बनाते हैं सभी लोग, ठीक है, जॉब के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो रेज्यूमे लेके जाते हैं, ठीक है, तो वो कैसे बनाते हैं? ठीक है, उसके लिए क्या होता है, एमएस ऑफिस का पैकेज होता है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो आप लोग भी पढ़ोगे अभी, ठीक है, खुद से रेज्यूमे बनाना सीखोगे, बहुत सारी चीजें खुद से बनाना सीखोगे, ठीक है। तो उससे क्या कर रहे हैं हम लोग, अपना काम आसान कर रहे हैं। ठीक है, हमें मूवी देखना है, ठीक है, मूवी देखने के लिए हम लोग कौन सा प्लेयर यूज करते हैं? अगर कंप्यूटर की बात करें तो वीएलसी मीडिया प्लेयर का यूज करते हैं। ठीक है, वीएलसी मीडिया प्लेयर का यूज करेंगे। वहीं पे अगर हम लोग को मोबाइल पे देखना है तो हम लोग एमएक्स प्लेयर का यूज करते हैं, वहां पे भी वीएलसी मीडिया प्लेयर आता है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आज के डेट में अवेलेबल हो गए हैं जिसके थ्रू हम लोग अपना काम आसान करते हैं। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो जिससे हम लोग का काम आसान होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में रन होता है, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में रन होता है। आया समझ में? अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, मींस हमारे सिस्टम में, मतलब हमारा जो कंप्यूटर है या फिर कोई भी मोबाइल है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तो हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी नहीं चला सकते। ओके, देन आता है थर्ड टाइप का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, जनरली ये दोनों सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है और साथ में हार्डवेयर को भी मैनेज करता है। ठीक है, यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से चल सके, दोनों को सपोर्ट करता है। जैसे कि मान के चलो हार्ड डिस्क फुल हो गया, ठीक है, हमारे कंप्यूटर में लगी होती है हार्ड डिस्क, ठीक है, अगर मान के चलो फुल हो गया ये, ठीक है, तो हम लोग को क्या करेगा, बहुत सारी ऐसी फाइल्स बताएगा कि जो काम की नहीं है, जो यूज नहीं हो रही है, उसको डिलीट कर दें, तो वहां से कुछ हम लोग को स्पेस मिल सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्क फ्रेगमेंटर। ठीक है, अगर कोई वायरस आ गया हमारे कंप्यूटर में, कोई वायरस आ जाता है, ठीक है, कोई अनऑथराइज एक्सेस हो गया, ठीक है, हम लोग कभी कभी इंटरनेट से चलाते हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स खोलते रहते हैं, बहुत सारे एड्स आते हैं, तो हम लोग के सिस्टम में कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, बाद में वो क्या करता है, प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमारे पास होता है एंटीवायरस। ठीक है, तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं सक्सेसफुली चलने के लिए, ठीक है, इसको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली दुनिया में तीन टाइप के सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, सेकंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारा काम आसान करता है, जैसे फोटोशॉप, एमएस ऑफिस, पेंट, ठीक है, कोरल ड्रॉ, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, मार्केट में आज के डेट में करोड़ों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो। ठीक है, थर्ड होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को हेल्प करता है सक्सेसफुली चलने के लिए। ठीक है, समझ में आया सभी को कि नहीं आया?